रूप के जादू तोरे को कर बेकाबू तोरे तोर संग मने लागे तोरे जादू है नानी हाय फ्रेंड्स, बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से एक लिरिक्स स्टेटस वीडियो एडिटिंग लेकर आ गया हूँ। तो प्रीव्यू में तो देख लिया वीडियो कैसा होने वाला है। तो इस स्टेटस को बनाने के लिए वीडियो को एकदम कंप्लीट देखना होगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके और नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना, क्योंकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। और अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इस वीडियो में फोटो वगैरह जो कुछ यूज होगा सभी टेलीग्राम पर मिल जाएगा। अब से फोन वो वेबसाइट पर मिल जाएगा, उधर से डाउनलोड कर लेना। और अगर वीडियो बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, और भी लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और उसके साथ साथ मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो भी कर देना। तो चलिए आज का वीडियो शुरू कर दें। तो सबसे पहले लाइट मोशन ऐप को ओपन कर देना। तो फ्रेंड्स, देख सकते हो मैं लाइट मोशन ऐप को ओपन कर लिया हूँ। और ये जो सॉन्ग बीट मार प्रोजेक्ट और जो टेक्स्ट इफेक्ट प्रोजेक्ट है, ये दो प्रोजेक्ट मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से इनपुट कर लेना। और अगर इनपुट करना नहीं आता है तो उसके लिए मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो को देख लेना, वो भी लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो सबसे पहले सॉन्ग बीट मार प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। तो सॉन्ग बीट मार प्रोजेक्ट को ओपन करने के बाद इस प्रोजेक्ट का इंटरफेस कुछ इस तरह दिखाएगा, देख सकते हो। तो ये जो शेप है, ये शेप को कुछ नहीं करना है। ये एक इफेक्ट है, ये शेप में फ्लैश इफेक्ट, तो ये शेप को डिलीट नहीं करना है। तो आप लोगों को क्या करना होगा, जिस फोटो पे आप लोग वीडियो बनाना चाहते हो उस फोटो को पहले ऐड कर लेना। तो फोटो ऐड करने के लिए प्लस ऑप्शन को टच करना, मीडिया ऑप्शन पर चले जाना, और जिस फोटो पर आप वीडियो बनाना चाहते हो उस फोटो को ऐड कर लेना। तो मैं ये फोटो पर वीडियो बनाऊँगा, देख सकते हो। तो फोटो को मैं ऐड कर लिया हूँ। तो फोटो ऐड करने के बाद ये जो ऊपर में थ्री डॉट है यहाँ पर टच करना होगा, और इधर से फिल कंपोजिशन एरिया को टच कर देना। तो वीडियो फोटो एकदम फुल स्क्रीन हो जाएगा। तो अब क्या करना होगा, ये जो मूव एंड ट्रांसफॉर्म है यहाँ पर टच करना होगा, और ऐसे फोटो को थोड़ा ऊपर ले लेना। उसके बाद एक बार बैक हो जाना और एकदम लास्ट में चले जाना। लास्ट में जाने के बाद ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच कर देना। तो देख सकते हो फोटो लेयर एकदम लास्ट में आ जाएगा। उसके बाद फिर से फर्स्ट में आ जाना और एक शेप को ऐड करना होगा। तो शेप ऐड करने के लिए ये जो प्लस ऑप्शन है यहाँ पर टच करना होगा और एक शेप को ले लेना है। उसके बाद इस शेप को फुल स्क्रीन करना है तो थ्री डॉट पर टच करना और फिल कंपोजिशन एरिया को टच कर देना। उसके बाद कलर एंड फिल ऑप्शन पर चले जाना, ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच कर देना। उसके बाद ऐसा करके आप लोग मेरी तरह इसे बना लेना। उसके बाद ये जो ब्लैक कलर का जो बॉक्स है यहाँ पर टच करना होगा, और ये जो मिडिल में जो ऑप्शन है यहाँ पर टच कर देना, और इसको नीचे नमा देना, ट्रांसफॉर्म कर लेना। तो देख सकते हो हमारा शेप ऐड हो गया। तो थोड़ा मैं इसको एडिट कर लेता हूँ, देख सकते हो। तो अब क्या करना होगा, बैक हो जाना और एकदम लास्ट में चले जाना, और ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच कर देना। तो देख सकते हो हमारा शेप ऐड हो गया है पूरी तरह से। तो अब क्या करना होगा, ये जो दो लेयर है, ये दो लेयर को एकदम नीचे लाना होगा। ये जो सॉन्ग है ये सॉन्ग के ऊपर रखना होगा। तो सबसे पहले फोटो लेयर को साइड में टच करके रहना और ऐसे करके एकदम नीचे ले आना, और ये सॉन्ग है सॉन्ग के ऊपर इसको रख देना। उसके बाद देख सकते हो हमारा फ्लैश इफेक्ट शो हो रहा है, देख सकते हो। तो सॉरी दोस्तों, शेप को ऊपर ही रहने देना, ये शेप को नीचे नहीं लाना होगा। और तो अब क्या करना होगा, अब सॉन्ग लिरिक्स लिखना होगा। तो सॉन्ग लिरिक्स लिखने के लिए सॉन्ग को पहले प्ले कर लेना, और ये जो फर्स्ट में बीट है ये बीट में सॉन्ग लिरिक्स नहीं है, म्यूजिक है। तो यहाँ पर आप लोग चैनल का नाम दे देना, और उसके बाद ये जो 1807 सेकंड के बाद जो सेकंड बीट है, ये सेकंड बीट से सॉन्ग लिरिक्स शुरू होता है। तो सॉन्ग लिरिक्स लिखने से पहले एक बार बैक हो जाना, और ये जो टेक्स्ट इफेक्ट प्रोजेक्ट है ये प्रोजेक्ट में चले जाना, और ये जो हमारा नाम है देख सकते हो लेयर, ये जो लेयर है ये लेयर को कॉपी करना होगा। तो यहाँ पर टच कर देना और इधर से कॉपी लेयर कर लेना। कॉपी लेयर करने के बाद एक बार बैक हो जाना, और
सॉन्ग बीट मार प्रोजेक्ट में फिर से चले जाना और सेकंड बीट में चले जाना और जो अभी कॉपी किया लेयर को वहाँ पर पेस्ट कर देना वो लेयर को। तो कॉपी करने के बाद एक बार एरो ऑप्शन पर टच करना है, ये लेयर को टच करना, ये जो ऑप्शन है टाइमर ऑप्शन है यहाँ पर टच करके ये ऑप्शन को टच कर देना। तो देख सकते हो हमारा ये लेयर छोटा हो गया, बिट के बराबर हो गया। उसके बाद क्या करना, अगर बैक हो जाना और ये जो मूव एंड ट्रांसफर में यहाँ पर टच करके इसको यहाँ पर सेट कर देना, जहाँ आप रखना चाहते हो उधर इसको सेट कर देना। तो मैं यहाँ पर रखूँगा, देख सकते हो, तो यहाँ पर मैं सेट कर दिया और उसके बाद एक बार बैक हो जाता हूँ। उसके बाद जो सॉन्ग लिरिक्स है वो लिखना होगा, तो उसके लिए सॉन्ग को पहले प्ले कर लेना, सुन लेना। तो सॉन्ग को सुनने के बाद ये जो डबल टेक्स्ट है यहाँ पर चले जाना और ये जो हमारा नाम है उसको पहले हटा देना और सॉन्ग लिरिक्स यहाँ पर लिख देना। तो मेरा पहले से लिखा है, उधर से कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। तो देख सकते हो कॉपी कर लिया हूँ, तो अब यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट कर दिया तो और कुछ नहीं करना है, फ़ोन में दे दूँगा, वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना और फ़ोन को राइट मोशन में इनपुट कर लेना। तो देख सकते हो हमारा फ़ोन भी ऐड हो गया और कुछ नहीं करना है, आप लोग फ़ोन को ऐड कर लेना। उसके बाद ये फ़ोन यहाँ पर शो होगा, तो मेरा पहले से ऐड है उसके लिए, इसलिए मेरा ये फ़ोन देखो शो हो रहा है लिरिक्स में। तो आप कुछ नहीं कर और कुछ नहीं करना है, ये जो 18 PT ऑप्शन है यहाँ से आप लोग चाहो तो इसका लेंथ बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो। तो मैं इतना रख देता हूँ और कुछ नहीं करूँगा। तो उसके बाद दो बार टिक कर देना, दो बार टिक करने के बाद फिर से अगला बीट में चले जाना और ये जो लेयर है इसको कॉपी कर लेना, ये जो ऑप्शन है यहाँ से कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद फिर से यहाँ पर पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद देख सकते हो ये जो बीट है, ये बीट तक ये लेयर आया नहीं है, तो उसके लिए ये लेयर को टच करना, टाइमर ऑप्शन पर चले जाना और ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच कर देना, तो बीट के बराबर हो जाएगा ये लेयर। उसके बाद सॉन्ग लिरिक्स लिखने के लिए फिर से प्ले कर लेना सॉन्ग को। तो सॉन्ग को प्ले करने के बाद सॉन्ग लेयर को टच करना, डबल एडिट टेक्स्ट में चले जाना और यहाँ पर इसको पहले हटा देना, उसके बाद सेकंड लेयर को यहाँ पर लिख देना। लिखने के बाद फिर से लाइट मोशन में चले जाना और यहाँ पर वो पेस्ट कर देना। तो देख सकते हो और कुछ नहीं करना है, एक बार टिक कर देना। उसके बाद फिर से अगला बिट में चले जाना, ये जो ऑप्शन है यहाँ पर चले जाना और पेस्ट इफेक्ट पेस्ट लेयर कर देना। तो देख सकते हो बिट के बराबर हुआ नहीं ये लेयर, तो उसके लिए ये लेयर को टच करना, टाइमर ऑप्शन पर चले जाना और ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच कर देना, तो बिट के बराबर हो जाएगा। उसके बाद फिर से सॉन्ग को प्ले कर लेना लिरिक्स लिखने के लिए। उसके बाद ये जो लेयर है इसको टच करना है, डबल एडिट टेक्स्ट में चले जाना, इसको हटा देना। उसके बाद फिर से जो लेयर है सॉन्ग लिरिक्स है वो कॉपी करके उधर पेस्ट कर देना। तो देख सकते हो मैं पेस्ट कर दिया हूँ। उसके बाद फिर से टिक कर देना। तो ऐसे करके आप लोग ये लिरिक्स को एकदम एंड तक लिखना है। उसके बाद फिर से फास्ट में आ जाना और फास्ट में आने के बाद प्लस ऑप्शन को टच करना, डबल टेक्स्ट में चले जाना और यहाँ पर 3 इमोजी को ऐड कर लेना। तो मैं 3 इमोजी ऐड कर लेता हूँ। देख सकते हो मैं 3 इमोजी ऐड कर लिया हूँ। उसको ये जो ऑप्शन है यहाँ पर एक बार टच करना होगा और ये जो 18 PT ऑप्शन है यहाँ पर एक बार टच कर देना। ऐसे करके इसको थोड़ा बढ़ा लेना और ये जो बॉक्स है यहाँ पर टच कर देना और ये जो मिडिल में ऑप्शन है यहाँ पर टच करके इसको नीचे नमा देना, ट्रांसफॉर्म कर देना। उसके बाद दो बार टिक कर देना। दो बार टिक करने के बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म में चले जाना और इसको ऐसे नीचे ले आना। नीचे ले आने के बाद यहाँ पर सेट कर देना। देख सकते हो यहाँ पर सेट करने के बाद फिर से फास्ट में आ जाना और ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच कर देना। तो यहाँ पर आप लोग चैनल नाम दे देना ऊपर में, ये लिरिक्स के ये लिरिक्स साइज जितना है उतना यहाँ पर लिख देना। उसके बाद एकदम एंड में चले जाना और ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच कर देना। तो देख सकते हो हमारा इमोजी एकदम एंड में आ गया। उसके बाद अब क्या करना होगा, ये इमोजी लेयर को टच करना, बॉर्डर एंड शैडो ऑप्शन पर चले जाना और ये जो एकदम नीचे ऑप्शन है यहाँ पर टच कर देना और
इसका शेडो ऑन कर देना। ऑन करने के बाद देख सकते हो हमारा शेडो ऑन हो गया। तो आप फिर से फास्ट में आ जाना और यहाँ पर ये देख सकते हो ये जो इमोजी के ऊपर ये जो गैप है इसमें हम चैनल नाम देंगे तो उसके लिए प्लस ऑप्शन पर टच कर देना और ये जो डबल टेक्स है वहाँ पर चले जाना और इधर से अपना चैनल नाम दे देना। नाम देने के बाद ये ऑप्शन पर एक बार टच करना है और कोई भी अपना फ़ोन दे देना और ये जो बॉक्स है यहाँ से टच करके ब्लैक कलर को टच कर देना। उसके बाद इसका थोड़ा लेंथ अगर बढ़ाना चाहते हो तो ऐसे करके बढ़ा लेना। 18 वीडियो ऑप्शन से दो बार टिक कर देना हो जाने के बाद और मूव एंड ट्रांसफॉर्म में टच करके इसको नीचे ले आना और ये जो मिडिल है ये मिडिल में इसको सेट कर देना। उसके बाद एक बार बैक हो जाना और एकदम लास्ट में चले जाना। ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच कर देना तो देख सकते हो हमारे चैनल नाम एकदम लास्ट में चला गया। तो ये लेयर को टच करना, बॉर्डर एंड शेडो ऑप्शन पर चले जाना। नीचे जो ऑप्शन है यहाँ पर टच करके इसका शेडो ऑन कर देना। तो देख सकते हो हमारा सब कुछ हो गया। तो और एक इफेक्ट देना बाकी है, ये जो फोटो है ये फोटो में एक इफेक्ट देना होगा। तो उसके लिए बैक हो जाना और टेक्स्ट इफेक्ट प्रोजेक्ट में फिर से आ जाना और ये जो फोटो है ये फोटो लेयर को टच करना, इफेक्ट में जाना, थ्री डॉट पर जाना और कॉपी इफेक्ट कर लेना। उसके बाद बैक हो जाना और साउंड बिटमैप प्रोजेक्ट में फिर से चला जाना। उसके बाद ये जो नीचे देख सकते हो जो फोटो लेयर है ये फोटो लेयर को टच करना और इफेक्ट में जाना, थ्री डॉट पर जाना और पेस्ट इफेक्ट कर देना। तो देख सकते हो फोटो में इफेक्ट हमारा ऐड हो गया। तो आप क्या करना होगा, ऐसे करके आप लोग वीडियो को एकदम कंप्लीट कर लेना। वीडियो बनाना हो जाने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना। तो वीडियो एक्सपोर्ट करने के लिए जो ऊपर में ऑप्शन है यहाँ पर टच करना होगा और इधर से वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना। तो एक्सपोर्ट करने के बाद वीडियो सेव करने का ऑप्शन आएगा तो उधर से सेव कर लेना। तो मेरा आज का वीडियो इतना ही था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए जय हिंद।